हर हर महादेव दोस्तों, मैं अमित मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल महादेवा भक्ति शक्ति में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सांप के बारे में, यानी सांप से जुड़े सभी शुभ और अशुभ संकेत। दोस्तों, सांप की केचुली तो आपने कई बार देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि सांप की केचुली घर में रखना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यदि सांप की केचुली आप अपने घर में रखेंगे तो आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि वह केचुली पूरी होनी चाहिए, यानी वह टूटी फूटी, जरूरत से ज्यादा टूटी फूटी ना हो। दोस्तों, आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि घर में सांप दिखना कैसा होता है। तो दोस्तों, यदि आपको अपने घर में बड़ा सांप दिखता है तो यह तो अशुभ है, यानी आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है और आपके आने वाले काम बिगड़ने वाले हैं। इसका उपाय यह है कि आप महादेव को प्रसाद चढ़ाएं और उनका नमन करें। लेकिन अगर आपके घर पे छोटा सांप दिखाई पड़ता है तो यह शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि आपकी समस्याएं दूर होने वाली हैं। दोस्तों, सावन के महीने में चाहे बड़ा सांप हो या छोटा सांप हो, सावन के महीने में सांप देखना शुभ ही होता है। सांप को सपने में देखना या उसका काटना भी शुभ ही माना जाता है। दोस्तों, कभी आपको मंदिर में भोले बाबा के पास सांप दिखता है तो यह बेहद ही शुभ संकेत है। धन्यवाद।